नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान की बात यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो पे देखेंगे ब्यूरिया बासियाना के बारे में। दोस्तों तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम देखेंगे ब्यूरिया बासियाना ए क्रॉप के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन से क्रॉप के लिए उसका यूज किया जाता है, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सभी के बारे में जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्यूरिया बासियाना ए एक बायो पेस्टिसाइड है और उसमें फंगस होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप ए ब्यूरिया बासियाना को आपके क्रॉप के ऊपर अप्लाई कर देते हो, इसका मतलब आप उसके ऊपर अगर स्प्रे कर देते हो तो उसके ऊपर जो भी जीवाणु होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है और उनके बॉडी के अंदर घुस जाता है। उसके बाद उनके बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है, इस तरह से वो काम करता है। ये दवाई कौन कौन से कीटाणु को मारती है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी जानकारी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दोस्तों जब भी आप ब्यूरिया बासियाना को का स्प्रे आपके क्रॉप के ऊपर करोगे तो आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन में उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कीटाणु को मारने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर आपको लगता है 10 से 15 दिन बाद उसका स्प्रे और जरूरी है तो उसके बाद भी 10-15 दिन बाद आप और एक स्प्रे दे सकते हो। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसका कॉटन, पैडी, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, पैटेटो, ग्रेप्स, गोवा, मैंगो, पोमीग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, वेजिटेबल में अगर देखा गया तो टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, इन सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप उसका स्प्रे आपके क्रॉप के ऊपर दोगे तो आप ध्यान में रखना कि आप 10 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल 50 से 100 मिली करना, मतलब आप 10 लीटर पानी में 50 से 100 मिली तक ही आप इसका यूज़ करें ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। दोस्तों इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही खेती के रिलेटेड जानकारी आपको आगे हमारे चैनल पर मिलती रहने वाली है।